साथियों, जैसे जैसे दिल्ली का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, कहते हैं माहौल गर्माता जा रहा है। जिनके पास मुद्दे हैं वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, जिनके पास मुद्दे नहीं हैं वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कल ऐसा ही हमने देखा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी को टारगेट करके तमाम तरह के आरोप लगाए गए, पैसे के बारे में, पैसे के स्रोतों के बारे में। उन्होंने कई तरह के सवाल भी पूछे। मैं उनकी दिक्कत समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और बाकी सब पार्टियों को आदत नहीं है इस चीज़ की कि कोई भी ऐसी पार्टी होगी जिसके अंदर कोई भी ट्रांसपेरेंसी होगी, जिसके अंदर फंड के बारे में ईमानदारी और सफाई बरती जाएगी। तो वो हमसे कहते हैं कि आप ये जो 200 लोग हैं जिन्होंने आपको फ़ंड दिया, इसका नाम बताइए। वो बेचारे शायद जानते नहीं हैं कि हम इन 200 का नहीं, में हम हर नाम डिस्क्लोज़ करते हैं। आम आदमी पार्टी जब से बनी है, आम आदमी पार्टी ने अपना ये सिद्धांत बनाया है कि जो भी पैसा हमें आता है हम उसको सार्वजनिक रूप से अपनी वेबसाइट पे डालते हैं। पैसा देने वाले को पहले पूछते हैं, साहब आपका नाम आएगा, अगर आप डरे ना तभी सोचिएगा। तो ये आज नहीं, ये जब से हमारी पार्टी बनी है 2 साल से हम ये कर रहे हैं। और किसी एक इवेंट का नहीं, किसी दो इवेंट का नहीं, जो भी पैसा आता है अगर डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू आता है तो तुरंत सीधा वेबसाइट के अंदर कुछ ही मिनटों के अंदर दिखाई दे जाता है। अगर चेक के जरिए आता है तो चेक जिस दिन बैंक से रियलाइज़ होता है उस दिन वो दिखाई दे जाता है। अब तक समस्या छोटे से कैश के डोनेशन की थी। हमें लगा कि जब हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं तो ये कैश डोनेशन वाला मामला भी ट्रांसपेरेंट क्यों ना हो, तो हमने उसको भी ट्रांसपेरेंट करने के लिए अब एक ऐप बना दिया है। हमारा कोई भी कार्यकर्ता अगर कहीं पे भी कैश लेता है तो उसको हाथों हाथ इलेक्ट्रॉनिक डोनेशन भी आ जाएगा और वो हमारे यहाँ रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। तो आम आदमी पार्टी इस देश की पहली और मेरे ख्याल से एकमात्र पार्टी है जो कि चंदे के बारे में पूरी तरह से पारदर्शिता बरत रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शायद गया नहीं, इसके बारे में पूरा पता नहीं होगा, इसलिए काफ़ी उत्साह में उन्होंने पूछ दिए सवाल। अब हम उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से विशेष तौर पर 5 सवाल उनसे पूछते हैं, बाद में और सवाल कभी पूछेंगे, पर आज शुरुआती तौर पे हम 5 सवाल पूछ रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि इस साल 29 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट के उल्लंघन के मामले में विदेशी धन प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी पाया था? क्या ये सच नहीं है? 29 मार्च दिल्ली हाई कोर्ट फेरा का वॉयलेशन है। दूसरा प्रश्न, क्या ये सच नहीं है कि भाजपा ने गोवा स्थित टिम्लो प्राइवेट लिमिटेड की मालिकिन सुश्री राधा टिम्लो से 1.18 करोड़ रुपए का दान स्वीकार किया था? ये वही परिवार है, वही कंपनी है जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशों में काला धन धारकों की अपनी सूची में शामिल किया है। तीसरा सवाल, क्या ये सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने डाओ केमिकल्स से दान स्वीकार किया? आज 2 दिसंबर है, आज की रात को, आज से 30 साल पहले भोपाल में इस दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा हुआ था। वो करने वाली कंपनी का नाम तब था UCC और वो कंपनी को आज उसकी मालिक है डाओ केमिकल्स, और वो डाओ केमिकल्स मालिक बहुत साल पहले बन चुकी थी। जब वो यूनियन कार्बाइड की इतने लोगों की हत्या करने की जो कंपनी है, उसकी जो सक्सेसर कंपनी है डाओ केमिकल, उससे क्या भारतीय जनता पार्टी ने फंड्स नहीं लिए हैं? तीसरा प्रश्न है। चौथा, क्या ये सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को वर्ष 2004 और 2012 के बीच, फ्रॉम 2004 टू 2012, उनके बीच विदेशी फंड के रूप में 19,42,50,000 रुपए प्राप्त हुए हैं? 19,42,50,000। और ये हमारा आरोप नहीं है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इस देश का जो एक इंडिपेंडेंट संगठन है जिसने सब तरह के पार्टियों के ऊपर अपनी निगाह रखी है, कभी कभी हमें भी डांट लगा देते हैं वो, उस संगठन की रिपोर्ट में पूछा गया है, और ये पार्टी के अपने दिए गए बयान के आधार, अकाउंट्स के आधार पे है।
2004 से 2012 के बीच में 19 करोड़ 42 लाख 50 हजार रुपए प्राप्त हुआ। पांचवा, क्या ये सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दान के 75% हिस्से को ये कहती है कि वो अज्ञात सोर्सेज से प्राप्त हुआ है। पार्टियों पे ये नियम है कि आपको यदि कोई भी डोनेशन 20,000 से ऊपर का मिलता है तो कानून के तहत आपको बताना पड़ता है कि किससे मिला। तो ज़्यादातर पार्टियाँ क्या करती हैं, 19,999 रुपये के डोनेशंस दिखाती हैं ताकि कानून में दिखाना ना पड़े, 20,000 से नीचे के दिखाती हैं और इनसे पूछो कहाँ से आया तो कहते हैं जी वो छोटा मोटा चंदा मिल गया कहीं से, किसी ने 10 रुपये दे दिया, 15 रुपये दे दिया, इसका हम कैसे हिसाब करें। भारतीय जनता पार्टी को 75% अपने डोनेशंस इस तरह के स्रोत से आए हैं, BSP को तो शायद 95% ऐसे सोर्सेस से आए। तो ये पांच सवाल हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से दिल्ली के चुनाव प्रचार के शुरुआत में जिस तरह के बयान दिए गए वो अशालीन हैं, अभद्र हैं, ये तो सारा देश कह रहा है, लेकिन उसकी बुनियाद में क्या है। यहाँ ये बात गौरतलब है कि ये कोई ज़ुबान की फिसलन नहीं थी। हम जो हिंदी जानते हैं, हम जानते हैं कि इसमें एक तुकबंदी है, तुकबंदी ज़ुबान की फिसलन से नहीं होती है। ये चीज़ होती है जो पहले से आप लिख के लाते हैं कि मुझे ये वाला बात स्पीच में कहनी है, तो ये ज़ुबान की फिसलन नहीं है। स्वयं जिन्हें साध्वी जी कहा जा रहा है, उन्होंने पहली बार ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और वो BJP के एकमात्र नेता नहीं है जो इस तरह की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे अंदेशा पैदा होता है कि चुनाव की शुरुआत में ही इस चुनाव में ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, मुद्दों की बजाय इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश हो रही है। और जिस तरह का कल साध्वी जी का बयान था उससे तो साफ लगता है कि इसका सांप्रदायिकरण करने की भी कोशिश हो रही है। ये कहने का मतलब क्या है कि कुछ रामजादे हैं और बाकी सब, यानी कि जो राम के बच्चे नहीं हैं, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, इतना अभद्र शब्द है, वो सब एक तरह से नाजायज संतान है, ये कहने की कोशिश की जा रही है। तो चुनाव की शुरुआत में ही इसे पटरी से उतारने की कोशिश हो रही है, चुनाव की शुरुआत में ही सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं घबराहट के लक्षण। जो भी चुनाव में आम आदमी पार्टी, आप देख रहे हैं इतने कुछ से कई दिनों से हम हर रोज़ नए मुद्दे रख रहे हैं, हम कह रहे हैं युवाओं के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, व्यापारियों के लिए क्या करेंगे, हर दिन हम अपना एजेंडा लेके आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की चीज़ें कर रही है, तो इस चुनाव को भटकाने की कोशिश है। हमारी ये मान्यता है कि ये सिर्फ अभद्रता नहीं है, इसके पीछे सत्ता का अहंकार है, इसके पीछे अज्ञानता है। जिस राम का वो नाम ले रहे हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम की क्या मर्यादा है, इसका शायद इन लोगों को ज्ञान नहीं है, और इसके पीछे घबराहट है ऐसी पार्टी की जो इतने महीने तक चुनाव को टालती रही और अब चुनाव में फंस गई है, जिसे समझ नहीं आ रहा चुनाव को कैसे फेस किया जाए। ये तो जो कल इनका बयान है, बाकी जो चीज़ें हैं मैं अनौपचारिक चीज़ें तो अभी नहीं कहूँगा, लेकिन आप बयान की भाषा पढ़ लीजिए कि आप अपने दानदाताओं की सूची दिखाइए हमारे को। जब सत्तारूढ़ पार्टी ये कहती है कि आपके डिनर में कौन लोग आए उसकी सूची आप दिखाइए, इसका क्या मतलब है? और हम अपने फाइनेंस मिनिस्टर से कहेंगे कि उनके इनकम टैक्स के थ्रू जांच की जाए। ये तो मतलब औपचारिक बयान है उनकी, तो उनका जो कुछ अनौपचारिक हो रहा है वो बाद में हम कभी आपसे शेयर करेंगे। अभी इस स्टेज पे मैं आपको इतना ही कहूँगा जो कहा है, बाद में शायद किसी स्टेज पे हमें इससे ज़्यादा भी बताना पड़ेगा। देखिए बड़ा सिंपल है, हमारी वेबसाइट है,
जिस वेबसाइट पे आप भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देख लीजिएगा, आप उस वेबसाइट पे जाइए, आपसे हम पहले तो ये सवाल पूछते हैं आप भारतीय नागरिक हैं कि नहीं है, क्योंकि भारतीय नागरिक नहीं है तो हम नहीं ले सकते। उसके बाद आप अपना क्रेडिट कार्ड अपना वो इस्तेमाल कीजिए, आपसे हम नाम पूछेंगे, पता पूछेंगे, पैसा लेंगे, और जो व्यक्ति जो देना चाहे उसका स्वागत है। ऐसा हम इंडिविजुअली कोई चेक नहीं करते रहे। चेक नहीं आप, और हमारी वेबसाइट तो ऐसी है कि आप चेक कर सकते हैं, आप जाके चेक कर लीजिए। दिल्ली में हार्ट अब ने कहा है कि जो भी पार्टियां मैनिफेस्टो ला रही है वो लीगल रूप से बाउंडेड है, अगर वो सत्ता में आती है तो अगर वो काम नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, आप लोग क्या करेंगे? देखिए ये सवाल काफ़ी समय से आ रहा है, और ये बात सच है कि पार्टियां मैनिफेस्टो में कुछ लिख देती हैं। एक आम आदमी पार्टी है जो अपना मैनिफेस्टो लिख के फिर बाद में चिंतित रहती है कि हमने 48 घंटे कहा था, 72 घंटे हो गए, अब कैसे काम चलेगा। बाकी पार्टियों का आप जानते हैं, मैनिफेस्टो में कुछ भी लिख दिया, मंदिर वहीं बनाएंगे, 5 साल बीत गए, पता नहीं कहाँ मंदिर कौन बनाएगा, इसकी कोई चर्चा की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं, तो इसके चलते लोगों के मन में ये बात रही है, लोगों के मन में ये बात रही है कि इसकी एक वैधानिक सेंटिटी बननी चाहिए। मेरी अपनी मान्यता है, कोई पार्टी के ओपिनियन के रूप में मैं नहीं कर रहा, मेरी अपनी मान्यता है कि राजनीति में शर्मसारी सबसे बड़ी चीज़ होती है। पार्टियों से पूछें, हम पूछें, आप पूछें, मीडिया सवाल पूछे, कहे आपने मैनिफेस्टो में ये कहा था क्यों नहीं किया पूरा, वो बड़ी चीज़ होती है। हर चीज़ कानून कचहरी के चक्कर में अगर पड़ गई, कोर्ट ये भी चेक करने लग गए, वैसे ही कोर्टों के पास बहुत ज़्यादा काम रहता है, ये भी चेक करने लग गए कि अपना मैनिफेस्टो का आइटम नंबर 48 आपने पूरा किया कि नहीं किया, क्या क्या चीज़ें कोर्ट से करवाएंगे। जनता को, जनमत को और राजनीति के जरिए कुछ चीज़ों को करना है।